जी आज हम एक मुनफरिद बहादुर और जहीन फैमिली के साथ अफतारी करेंगे। ये सलीम अकबर साहब की फैमिली है, इनकी चार बेटियां और एक बेटा है। चार बेटियों में से दो बेटियां और एक बेटा बेनाई से महरूम है। बेनाई से महरूम ये जो बहन भाई हैं, इनमें एक बहन सीएसपी अफसर और इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में है, एक बेनाई से महरूम बहन वो पीएचडी कर रही हैं, और एक बेनाई से महरूम जो भाई है इसमें यूसुफ सलीम, इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि ये जज बन गए। हम इनसे बात करते हैं। मेरी जो है रिकमेंडेशन हुई है एज सिविल जज, तो इस बात में मुझे बहुत खुशी है और इंशाल्लाह ये सिर्फ स्टार्ट है। मैं मेहनत करूंगा तो इंशाल्लाह आप प्रोग्रेस करते हुए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाऊं। इस आला खूबसूरत जहीन मेहनती नौजवान की वालदा से हम आपको मिलवाते हैं कि वालदा क्या क्या कहने हैं। माँ बाप की तो दुआएं भी साथ होती हैं और मेहनत भी होती है, लेकिन बच्चों की अपनी मेहनत होती है। जब तक बच्चे खुद मेहनत ना करें तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं तो इसको डिसेबल का लफ्ज़ कहते हुए मुझे शर्म आती है, ये एबल है जिसने साइटेड को कम्पीट करके नंबर वन पोजीशन से। जी अब हम बहन से बात करते हैं। तो यूसुफ ने अब जज बन के नाम रोशन किया है, तो अब यूसुफ सलीम के लिए कोई अच्छी सी दुल्हन भी आप ढूंढेंगी नहीं, या यूसुफ ढूंढेंगे? वो हम सब मिलकर ढूंढेंगे, उसमें यूसुफ की मर्जी शामिल होगी, और हम जैसे यूसुफ बहुत काबिल है ऐसे ही हम काबिल दुल्हन भी ढूंढेंगे। जी आपने सुना बहना क्या कहती है कि मेरे भाई ने इतनी मेहनत की, वो जज बन गए। अब इस जज भाई के लिए भी एक प्यारी सी जो दुल्हन है वो गुड़िया अपने भाई के लिए वो लाएंगी। इस तरह बहन की ख्वाहिश है कि उसकी अजवाजी जिंदगी भी इसी तरह कामयाबी और कामयाबियों से हमकना हो। जी